अब देखो अभी हाल ही में जॉन स्नो की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में एक बड़ी अच्छी फैन थ्योरी निकल के आई है। तो बात कुछ ऐसी है कि ओल्ड मैन के हिसाब से नाइट किंग असल में लॉर्ड 13 कमांडर था नाइट वॉच का, जो कि एक व्हाइट वॉकर के प्यार में पड़कर डार्क साइड की ओर चला गया था। एंड वहाँ पे उसने नाइटफोर्ड पर काफी लंबे टाइम तक राज भी किया, करीबन 13 साल, जिसके बाद वो हारा ब्रैंडन स्टार्क से। और साथ ही ओल्ड मैन ने ये भी कहा था कि नाइट किंग भी एक स्टार्क ही था। जिसके बाद अब जॉन स्नो के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्रैन द ब्रेकर के रोल में बिल्कुल फिट बैठेगा और हराएगा नाइट किंग के नए इनकार्नेशन को, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके नए अवतार को। और साथ ही ऐसा करने से उसकी दी चूजन वन की प्रोफेसी भी फुलफिल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इस बात की हाईली चांस है कि शो के मेकर्स के पाप भी धुल जाएंगे, जो कि उन्हें किया था गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 में। बाकी प्रेजेंट टाइम पर ये शो अपने डेवलपमेंट फेज में है और HBO शो को तभी कंफर्म करेगा जब इसकी कहानी में दम होगा।